नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपको सुनाऊंगी स्टोरी नंबर 2, जिसका नाम है जादुई मोर। वो हमने कार्टून में देखी थी तो हमको याद आ गई, और हमने जो कल सुनाई थी वो थी एप्पल ट्री की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक छोटा लड़का था, वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। वो रोज रात को कहानियाँ सुना करता था, और फिर एक दिन उसकी दादी माँ ने उसको जादुई मोर की कहानी सुनाई। तो फिर उसने बोला, जब वो ख़त्म हुई, दादी माँ से पूछा, क्या ये मोर असली में है? तो फिर दादी माँ ने बोला, हाँ ये मोर असली में है, उसमें हीरे लगे हैं, पैसे और तरह तरह की चीज़ें। तुम उसे जंगल में ढूंढ भी सकते हो, पर आज तक किसी ने भी उसको ढूंढना नहीं है। तो फिर बहुत दिनों बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी दादी माँ शांत हो जाती है। तो फिर वो सोचता है, अब मैं क्या करूँगा, है ना। और धीरे धीरे वो गरीब होने लग जाता है। गरीब होने के वजह से उसके पास पैसे नहीं होते। उसको तभी दादी माँ की वो स्टोरी याद आती है जादुई मोर की। वो सोचता है, अब कल सुबह तो मैं उसी मोर को ढूंढूंगा, देखते हैं वो भी मुझसे कब तक छुप सकता है। फिर वो उसी सुबह गया, और मोर की तलाश में जाने से पहले उसने अपने बैग में सुई धागा रख लिया, और कुछ खाने की चीज़ें और पानी और सारी ज़रूरतमंद चीज़ें, और फिर वो जंगल को निकल पड़ा। फिर वो गया वो ढूंढा, और एक दिन बीत गया, पर उसको जादुई मोर तो मिला ही नहीं। अब उसने जंगल तो पूरा ढूंढा नहीं था, पर वो बोलता था कि पूरा जंगल छान मारा, पर मोर तो कहीं दिख नहीं रहा है, है ना। फिर अगले दिन वो सोचता है कि चलो आज भी ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगा। होता है। तो फिर वो दूसरे दिन भी निकलता है। तो फिर वो ऐसे चलने ही वाला होता है कि उसको एक कांटा चुभता है, और उससे उसके शूज फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो वो सोचता है, अब मैं क्या करूँगा। सोचते वो एक बैम्बू के पेड़ के पास जाके ऐसे ही बैठ जाता है। फिर वो सोचता है, क्या ऐसे ही बिना शूज़ के चलूँ मैं, या फिर एक शूज़ पहन के। तो फिर वो सोचता है, ये तो नहीं सही है। फिर हाँ, उसको याद आता है कि मैं तो बैम्बू के पेड़ के यहाँ पास बैठा हूँ, और इन्हीं लकड़ियों से अगर मैं अच्छे शूज़ बना लूँ, मेरे बैग में तो सुई धागा भी है, अच्छा हुआ मैंने रखा था, इससे मैं तो अच्छे शूज़ बना लूँगा। फिर उसने बनाए, और वो निकल पड़ा। वो रास्ते में जा रहा था तो उसको एक आदमी मिलता है। वो उसके सीधे उसकी नज़र उसके शूज़ पे जाती है। वो बोलता है, वाओ इतनी अच्छी शूज़ कहाँ से खरीदे? तो बोलता है, मैंने खरीदे नहीं हैं, और ये वैसे भी मैंने जंगल में खुद बनाए हैं, इतने भी अच्छे नहीं दिखते, मुझे तो अपने पुराने शूज़ की याद आ रही है। तो बोलता है, नहीं नहीं, ये शूज़ कितने अच्छे दिखते हैं, कितने मुलायम दिखते हैं, मुझे भी बना के दो। तो फिर वो पूछता है कि तुमने ये कैसे बनाया? बोलता है, मेरे पास बैग में सुई धागा था, और यहाँ पे जंगल में और मैंने कुछ बैम्बू की लकड़ियों से इनको बना लिया। तो फिर वो बोलता है, मुझे भी बना के दो, मुझे भी चाहिए ये शूज़। तो फिर वो बोलता है, पर बस मुझे 1 घंटे का वक्त दो। तो फिर वो बोलता है, आराम से, इससे भी ज़्यादा ले सकते हो तुम तो। फिर वो बना के दे देता है, है ना। पर उसको तो जादुई मोर की पड़ी होती है, इसलिए वो कितने पैसे देता है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, और सीधा अपने बैग में रख लेता है। फिर थोड़े रास्ते चलता है, और थोड़ी शाम होने लग जाती है, ठंडी हवा चलने लग जाती है, तो उसको ठंड लगती है। तो वो एक पेड़ के नीचे ऐसे बैठ जाता है। फिर वो सोचता है, अब मैं क्या करूँगा, है ना। तो वो देखता है, अपना हाथ ऐसे घुमाता है,
मुलायम पत्ती फील होती है। तो वो क्या सोचता है, वाओ ये भी अच्छा मौका है, मैं इन्हीं मुलायम पत्तियों से अपना एक अच्छा जैकेट बना सकता हूँ। देखो ऐसा जैकेट है ना। तो फिर वो बनाता है और उसको पहन लेता है। पहनने के बाद उसको अच्छा लगता है, फिर वो सो जाता है वहाँ पर ही। अगली सुबह उसको एक आदमी दिखता है वापस से। वो आदमी उसकी भी नज़र सीधी उसके जैकेट पे जाती है। वो बोलता है, ये तुमने कहाँ से खरीदा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी बताओ वो दुकान, मैं भी जाऊँगा वहाँ से। तो बोलता है, मैंने खरीदा नहीं है पर बनाया ज़रूर है, और ये जैकेट तुम्हें चाहिए हो तो बोलो, मैं तुम्हें मेरा वाला दे दूँगा, है ना। तो फिर वो बोलता है, नहीं नहीं आप तो ऐसा और भी बना सकते हो ना, तो मुझे भी एक बना के दो। हाँ हाँ बना के दो मुझे। तो फिर वो बोलता है मुझे, फिर से वो बोलता है मुझे एक घंटे का वक्त दो, और वो बना के दे देता है। फिर से जादुई मोर के पीछे पड़ा हुआ होता है, और कितने पैसे देता है वो आदमी उस पर ध्यान ना देकर वो अपने बस झोले में डाल देता है। है ना। तो फिर वो वापस से अपनी जर्नी चालू करता है। वो जाता है तो उसको वही आदमी दिखता है, शूज़ वाला जिसने उससे शूज़ बना के लिए थे। उसके साथ बहुत सारे फ्रेंड आए थे, है ना। तो फिर वो फ्रेंड्स बोलते हैं, हमें भी बना के दो ऐसे शूज़, हमें भी चाहिए। फिर वो शूज़ वाला आदमी बोलता है कि हाँ हाँ ये मेरे कुछ दोस्त है, उन्होंने मेरे शूज़ देखे तो उनको भी चाहिए थे, इसलिए मैं आज इनको भी लाया हूँ, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो वापस से जाता है और बहुत सारे शूज़ के पैड्स बना के ले आता है। सब पहनते, सबको इतना 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 अच्छा लगता है। फिर वो आगे जाता है, सबके पैसे के ध्यान ही नहीं देता, उसको तो बस मोर 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 की पड़ी होती है। फिर वापस वो जैकेट वाला आदमी दिखता है। जैकेट वाला आदमी भी अपने साथ बहुत सारे दोस्त लाया होता है। फिर वो भी बोलता है कि हमारे दोस्तों को भी चाहिए ऐसा जैकेट। वो बना के देता है, और पैसों पर ना ध्यान दे के उसको पर्स में रख देता है। वो ढूंढता है पर उसको अभी तक मोर मिलता ही नहीं है। फिर वो निराश होकर घर चला जाता है। फिर वो सोचता है, दादी माँ ने मुझे ज़रूर उल्लू बनाया होगा, और ऐसे गुस्सा होके बैठ जाता है। उसी रात जब वो सो रहा होता है तो उसको नींद नहीं आती है, पर अचानक से एक सपना देखता है। वो उसको सपने में दिखता है, उसकी दादी माँ उसको कह रही होती है, जादुई मोर नहीं था जंगल में, उस ज़रा अपने पैसों पे तो ध्यान दो। वो सपने में ही ऐसे निकालता है अपने पैसे और वो देखता है, सबको मेरी चीज़ें इतनी अच्छी लगी, वो देखता है इतने सारे पैसे। तो दादी माँ बोलती है, जादुई चीज़ें नहीं होती, जादू तो तुम करके दिखा सकते हो, है ना। और फिर वो बोलती है, अगर तुम यही काम अपनी एक दुकान लगा के करो तो सोचो तुम्हारे पास कितने पैसे आएंगे। तो फिर वो बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन से अपनी मस्त एक दुकान ले लेता है अपने वो पैसों से। और फिर वो उसमें रोज़ जंगल जाता है, सुबह बैम्बूज लाता है, मुलायम पत्ती लाता है, और वो लकड़ियाँ भी काटता है, लकड़ियों के खिलौने भी बनाता है और अलग अलग चीज़ें बनाता है। तो लोग आते हैं और उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, उसकी शॉप बड़ी 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 होती जाती है और वो खुशी से रहने लग जाता है। और उसके पास थोड़े लोग भी आ जाते हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं उसको, उन्हें और उस लड़के ने उसके लोगों को सिखा दिया कि ऐसे बनाना। उसके पास पीपल आ गए उसकी हेल्प करने के लिए। तो इसका मॉरल है कि जानवरों को ढूंढना आसान नहीं है, हमारी मेहनत आसान होती है। इसका मॉरल है कि जादुई चीज़ें कोई चीज़ों में नहीं है, जादू कोई चीज़ों में नहीं है पर हम में है। अगर हम मेहनत करेंगे तो जादू की ज़रूरत ही नहीं। बाय बाय।